देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के 8 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में भाजपा द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों को जनता के सामने रखने के लिए सरोजनी नगर स्थित अमर गेस्ट हाउस में रिपोर्ट टू नेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रिपोर्ट टू नेशन कार्यक्रम में पत्रकारों को सांसद सत्यदेव पचौरी ने संबोधित करते हुए बताया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों की सेवा, कल्याण तथा गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया गया है, इसलिए ये 8 साल सेवा के साल हैं। इन सालों में जनधन खाता योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, सौभाग्य योजना, किसान सम्मान निधि योजना, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति, मुस्लिम महिलाओं का संरक्षण, राम भक्तों की आस्था का सम्मान, शरणार्थियों को नागरिकता का अधिकार के साथ अनगिनत लाभकारी योजनाएं चलाकर लोगों को लाभ दिया गया। जबकि कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी से देश को उभारना और निशुल्क कोरोना वैक्सीन वितरित कर आत्मनिर्भर भारत की तरफ अग्रसर कर रहा है। सरकार को 30 तारीख को 8 वर्ष पूरे हुए और 8 वर्षों में जो हमारी सरकार ने सेवा के कार्य किए, सुशासन के काम किए, देश को आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए काम किए, उनकी जानकारी देने के लिए पत्रकार वार्ता का आयोजन था और मैंने उस पत्रकार वार्ता के माध्यम से जो ऐतिहासिक कदम जन सेवा के मोदी जी ने उठाए, जो सरकार ने किए, योजनाओं को हमने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाया है पारदर्शी तरीके से, उसकी जानकारी मैंने पत्रकार मित्रों को दी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews/